सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लेकिन हरियाणा के चुनाव में चुनाव तो हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, 7 तारीख को फाइनल नतीजा आएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं ना, उसमें बीजेपी जो है वो सत्ता से खिसकती नजर आ रही है। हरियाणा में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है, फाइनल नतीजा क्या होगा वो तो उस समय पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आज मैं बताने वाला हूं 3 चैनलों का एग्जिट पोल, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल रही है, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो इंडिया टुडे सी वोटर्स में कांग्रेस को 50 से 58, जी हाँ 52-58 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। 45 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को 20 से 28 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। जेजेपी को जो पिछली बार 7 या 9 सीटें मिली थी, इस बार 0 से 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो अदर को 10 से 14 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं भास्कर रिपोर्ट्स पोल की, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 44 से 54 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी कि यहां पर भी लगभग जो है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। बीजेपी को 19 से 29 सीटें मिल रही है, INLD को 1 से 5 सीट, जेजेपी को 0 से 1 सीट और अदर को 4 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर रिपब्लिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी की 55 से 62 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की यहां पर फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी 18 से 24 सीटें पा रही है, INLD पे 3 से 6 सीटें हैं, जेजेपी को 0 से 3 और अदर 2 से 5 है। यानी कि अगर इन सारे आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती नजर आ रही है। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि ये एग्जिट पोल है, फाइनल आंकड़े जो है आप 7 तारीख को आने वाले हैं। तो वहीं कश्मीर में भी कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार बनाता नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि किस तरीके की चीजें वहां पे होती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ये दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और खास करके हरियाणा में क्या सिस्टम रहेगा, इस पर अपने